नमस्कार फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है देखिए जो धोखा अकाली दल ने खाया इंडियन नेशनल लोक दल ने खाया जेडीयू ने खाया शिवसेना ने खाया एनसीपी ने खाया सब ने खाया वो धोखा अब बीजेडी ने खा लिया हम लोग पहले से कह रहे थे और जितने लोग भी देश की राजनीतिक नब्ज पे उंगली रखते हैं वो ये कह रहे थे वाई एस आर कांग्रेस ने भी धोखा खाया वो भी करीब करीब खत्म हो गई चार सीट केवल पार्लियामेंट की उनको इस बार आंध्र प्रदेश से मिली टीडीपी ने उनका पत्ता साफ कर दिया बीजेपी ने उड़ीसा के अंदर बीजेडी का पत्ता साफ कर दिया कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर इंडियन नेशनल लोकदल का और जजपा का पत्ता हरियाणा से साफ कर दिया मतलब ये जिस जिस ने बीजेपी का साथ दिया उसका पता साफ हो गया अब बीजेडी के पटनायक साहब का निर्णय है कि हम राज्यसभा में हमारे लोग बीजेपी का विरोध करेंगे और अब हम से हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं ये तो पहले हम लोग दो तीन महीने से देख रहे थे जैसे कहा जा रहा था कि बीजेपी और बीजेडी का समझौता हो जाए उसके बाद इतनी सीटें विधानसभा की इतनी लोग मतलब लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि बीजेपी बीजेडी को धोखा देगी और वो हुआ और अब बीजेडी को भी आंखें खुली लेकिन अभी तेलुगु देशम पार्टी को और जनता दल यूनाइटेड की आंखें नहीं खुली जल्दी खुल जाएंगी वो भी हम लोग जानते हैं जल्दी खुलेंगी जिस दिन जिस प्रकार से शरद पवार के लोगों को तोड़ा गया था महाराष्ट्र के अंदर और उद्धव ठाकरे के लोगों को तोड़ा गया था उसके पहले शायद उनको भी इस चीज का आभास नहीं रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी विशेषज्ञता है अपने साथियों को धोखा देने की अब लोकसभा के अंदर एक और चाल चली भारतीय जनता पार्टी ने उसने कांग्रेस को एक प्रस्ताव दिया एक बात हुई राजनाथ सिंह जो कि मोदी जी ने मुख्य कर्ता धरता उनको बनाया है क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार का जो संसद की अंगने थे, उसमें अमित शाह तो चाणक्य की भूमिका नहीं निभा सकते उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कि लोगों में समझौता करा दे। इसलिए उन्होंने राजनाथ सिंह को यह उत्तरदायित्व तो दिया कि आप एनडीए गठबंधन के लोगों से मीटिंग करें स्पीकर पद के लिए डिप्टी स्पीकर पद के लिए उनसे समझौता करें और साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने जैसा राहुल गांधी ने बताया उन्होंने फोन किया खड़गे साहब को और उनसे कहा स्पीकर पद के बारे में बात की तो खड़गे साहब ने कहा कि भाई देखिए ये पूर्व परंपरा है कि आप स्पीकर पद आप ले लें और डिप्टी स्पीकर पद हमको दे दें राजनाथ सिंह ने कहा कि ठीक है हम बात करके बताएंगे और आपको हम कॉल बैक करेंगे उन्होंने कॉल बैक नहीं की जैसा राहुल गांधी ने कहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ओम बिरला साहब को स्पीकर पद का प्रत्याशी बना दिया तो राहुल गांधी ने कहा कि यह तो एक प्रकार से कॉल बैक करने की बात राजनाथ सिंह ने की थी तो वही किया राजनाथ सिंह ने माननीय मोदी जी के आदेश पे जो पहले उन्होंने बीजेडी से किया जेजेपी से किया अकाली दल से किया शिवसेना से किया अब एक नाथ अजीत पवार के साथ कर रहे हैं सारा दोष महाराष्ट्र का अजीत पवार पे डाल रहे हैं तो जिन जिन ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया उनका ये हुआ या साथ देने के प्रपंच में जिप्तका से उलझा के उनको उलझाया गया यह सबके सामने है तो भारतीय जनता पार्टी ने ओम बिरला को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया कल चुनाव होगा इंडिया अलायंस ने अपने तरफ से के सुरेश साहब को जो बार के सांसद हैं कर्नाटका के उनको उम्मीदवार बनाया तो यह बहुत परंपरा थी हिंदुस्तान की कि स्पीकर पद पे चुनाव नहीं हुआ करता था निर्विरोध होता था लेकिन जिस प्रकार से राजनाथ सिंह ने खड़गे साहब से फोन किया उनको उलझाया फिर कॉल बैक करेंगे नहीं किया और उसके बाद अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया तो पहली बार हम लोगों को स्पीकर पद पे उम्मीदवार दोनों पक्षों का दिखाई पड़ रहा है अब सवाल यह है कि इनमें से बेहतर उम्मीदवार कौन है अगर हम लोग जनता के रूप में इसका विश्लेषण करें तो देखिये जो सबसे बड़ा क्वालिटी होनी चाहिए स्पीकर पद के लिए वो होनी चाहिए निष्पक्षता जैसे हर पद के लिए कोई ना कोई गुण की आवश्यकता है जैसे अगर किसी अध्यापक का चयन करना हो तो यह है अध्यापक के अंदर सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए और बच्चों से डील करने की क्षमता होनी चाहिए पहलवान का अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो मानी बात है कि कद काठी अच्छी होनी चाहिए दाव पे उसको आने चाहिए और अगर स्पीकर पद का अगर आप चुनाव कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है वो यह है कि वो निष्पक्ष हो वो पार्शियल ना हो क्योंकि संसद जो है वो पक्ष और विपक्ष के बीच में एक प्रकार की मंत्रणा कानून बनाने का एक मंच है वो दुश्मन नहीं आपस में क्योंकि जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनको भी जनता ने चुना है और जो विपक्ष में बैठे हैं उनको भी जनता ने चुना है तो वो देश के लिए सुंदर भविष्य के लिए जिस प्रकार की नीतियां बनानी है उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति को अंपायर के रूप में स्पीकर के पद में बिठाए जाने की आवश्यकता है जो कि निष्पक्ष हो जो देश के संविधान और लोकतंत्र का ध्यान रखे और इंपार्शियल हो जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है और उसमें अंपायर ही अगर मान लीजिए एक पक्ष से मिला हो और वो ऑफ बॉल डिक्लेयर कर दे कहीं एलबीडब्ल्यू आउट कर दे कहीं पे इस प्रकार के वाइड बॉल डिक्लेयर कर दे मतलब ऐसी चीजें जो देख के लगे कि आप निष्पक्ष नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के एम्पायर बनाना किसी मैच में इसका मतलब आप पक्षपात नहीं करना चाहते आपने पंच परमेश्वर सुनी होगी कहानी जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी आपको पता ही होगा उसके अंदर था कि एक गांव के अंदर एक बहुत अमीर आदमी में एक बहुत गरीब आदमी में आपस में कोई विवाद हो गया तो यह हुआ कि चलिए कोई पंच चुनते हैं और पंच निर्णय लेगा कि किसका पक्ष ज्यादा ठीक है तो क्योंकि अमीर आदमी की चलनी थी अमीर आदमी की अपनी क्षमता ज्यादा थी तो गरीब आदमी ने कहा ठीक है साहब पंच आप चुन लीजिए आपका जो निर्णय होगा मुझे मान्य होगा जिसे चाहे पंच चुन लीजिए तो जो अमीर आदमी था उसने अपने एक बहुत खास मित्र को जिसके साथ उसका रोज उठना बैठना था उसको पंच बना दिया गरीब आदमी ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं पंच आपने बना दिया कोई बात नहीं अब जब वाद विवाद हुआ और उसके बाद निर्णय का समय आया तो पंच ने जो निर्णय दिया वो गरीब आदमी के पक्ष में दिया तो अमीर आदमी ने जाके उससे पूछा अपने मित्र को जिसको उसने पंच बनाया था कि भाई तुम तो मेरे मित्र हो मैंने तो ये सोच समझ के तुमको पंच बनाया था कि तुम मेरा पक्ष लोगे लेकिन तुमने तो उस गरीब आदमी का पक्ष ले लिया तो पंच ने कहा कि देखो मैं उस समय पंच परमेश्वर की कुर्सी में बैठा था और मेरे लिए ना तुम मित्र थे ना वो शत्रु था ना तुम अमीर थे ना वो गरीब थे मेरे लिए मेरा जो कर्तव्य था मेरा जो धर्म था कि निश्पक्ष हूं निष्पक्षता के रूप में जो मुझे निर्णय लेना हो ले तो उसी आधार पे मैंने निर्णय लिया और मैंने उस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय लिया जिसकी तरफ धर्म था जिसकी तरफ न्याय था और जिसकी तरफ सच्चाई थी इसलिए मैंने उनका साथ दिया यही अपेक्षित होता है किसी लोकसभा या संसद के अंदर एक स्पीकर से लेकिन ओम बिरला साहब का अगर कार्यकाल आप देखेंगे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वैसे बड़े जुझारू व्यक्ति हैं बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं कोटा से कई बार लोकसभा जीते हैं लेकिन उनके निष्पक्षता पे देश को संदेह है पंच परमेश्वर की अंपायर की कुर्सी बैठने योग्य नहीं है ये तो देश की अधिकांश जनता समझती है तो क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को स्पीकर पद में बिठाना चाहती है जिसने विपक्ष के लोगों का पिछले सालों में जब वो स्पीकर थे उनका माइक म्यूट कर दिया कैमरे को उनकी तरफ नहीं जाने दिया लोगों को सस्पेंड कर दिया जरा सी आवाज उठाने पे सस्पेंड कर दिया और ऐसे कानून पास करवा दिए लोकसभा के अंदर जहां पे विपक्षी नेताओं की अनुपस्थिति थी बल्कि केवल उन लोगों को ही एक्सपेल नहीं किया जो कि आवाज कर रहे थे या खड़े थे या प्लेकट दिखा रहे थे बल्कि उनको भी निष्कासित कर दिया जो संसद में उस समय उपलब्धि नहीं थी, उपस्थिति नहीं थी। तो ऐसे व्यक्ति को स्पीकर बनाने की क्या आवश्यकता थी अच्छा दूसरा जब राजनाथ सिंह जी ने खड़गे साहब से फोन पे बात की थी और कॉल बैक करने की बात की थी और ये देश की परंपराएं हैं कि स्पीकर पद पक्ष के पास होता है और डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के पास होता है तो इसमें विपक्ष की बात मानने या ना मानने का क्या प्रश्न है मान ही लेना चाहिए था यह परंपरा है दूसरा अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद पे बैठे हुए आदमी को सही में संविधान की रक्षा करनी है सही में लोकतंत्र की रक्षा करनी है अगर सही में निष्पक्ष होना है तो वो किसी पार्टी का हो हार्डली मेक्स ए डिफरेंस जैसे पंच परमेश्वर में जो गरीब आदमी को जीत मिली क्योंकि न्याय के आधार पे पंच परमेश्वर ने अपना निर्णय दिया मित्रता के आधार पे नहीं दिया तो बीजेपी को क्या इस बात से परेशानी है कि स्पीकर जो है वो तेलुगु देशम पार्टी का हो जाए और जो डिप्टी स्पीकर है वो इंडिया अलायंस का हो जाए इसमें परेशानी क्या है अच्छा के सुरेश साहब योग्य व्यक्ति हैं आठ बार के जीते हुए सांसद हैं आठ बार के अब आठ बार के जीते हुए सांसद का जो मेहताब साहब अभी जीते हैं वो जो अभी प्रोटम स्पीकर हैं, वो भी सात बार के जीते हुए सांसद हैं तो एक मोटी मोटी तौर पे तो ये देखा जा सकता है कि जो आदमी सात बार या आठ बार जीता है इसका माने वो क्षेत्र में लोकप्रिय है क्षेत्र की जनता उस पर विश्वास करती है तभी आठ बार और सात बार जीतता है अच्छा के सुरेश साहब साउथ से आते हैं ओम बिरला साहब राजस्थान से आते हैं के सुरेश साहब कर्नाटका से आते हैं आज के तारीख में कम से कम साउथ के लोगों में एक फीलिंग है गलत है सही है ये तो मैं नहीं जानता लेकिन उनकी ये फीलिंग है क्योंकि हम लोगों के यहाँ इलेक्टेड मेंबर्स कम हैं क्योंकि हमारे सांसदों की संख्या कम है क्योंकि मनी बात है कि पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कम है बल्कि केरला और बाकी साउथ इंडियन स्टेट्स ने तो पॉपुलेशन ग्रोथ को बहुत कम कर दिया है नॉर्थ ने कम नहीं किया है तो जब डिलिमिटेशन होगा दोबारा संख्या बढ़ेगी तो उत्तर भारत की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि यहां जनसंख्या बढ़ गई है और साउथ में नहीं बढ़ी है तो उनके अंदर एक डर है उनके अंदर एक भय है उनको लगता है कि उनकी आवाज सुनी नहीं जाती उनके साथ पक्षपात होता है उनको बजट आवंटित नहीं होता है सारा बजट जो है और सारी चीजें जो है वो उत्तर भारत को या गुजरात को चली जाती है साउथ इंडिया को नहीं जाती तो देश के लिए एक बहुत अच्छा मौका था मेरे ख्याल से अगर भारतीय जनता पार्टी के सुरेश को स्पीकर बनने देती या दे अभी भी दे दे अभी भी ओम बिरला साहब अपना कैंडिडेटचर वापस ले लें तो साउथ में एक जो फीलिंग है कि साहब हमारे साथ अन्याय होता है वो खत्म हो जाएगा बाबू नायडू के लिए भी बहुत अच्छा होगा ये कहने के लिए कि ठीक है भाई देखो मैं सहयोग कर रहा हूं बीजेपी का और क्योंकि मैं साउथ इंडिया को बिलोंग करता हूं और कर्नाटका से के सुरेश साहब हैं तो साउथ इंडिया को मैंने न्याय दिलवा दिया वो दिला दिया क्योंकि आपको पता ही है कि जब इलेक्शन हुआ रिजल्ट आ गया उसके बाद के स्टालिन, स्टालिन साहब की और बाबू नायडू साहब की मीटिंग हुई और स्टालिन साहब ने उनसे केवल यही अनुरोध किया कि जब आपके बल पे ये सरकार चलने वाली है तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखिएगा कि साउथ के स्टेट्स के साथ अन्याय ना हो तो अगर देश के सारे मुख्य मंत्री जो बड़े बड़े मंत्री हैं अमित शाह जी गुजरात के हैं मोदी जी गुजरात के हैं राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के हैं तो अगर साउथ इंडिया का एक स्पीकर हो जाए जो ऐसे सामाजिक वर्ग से आता है जो योग्य है सामाजिक वर्ग की बात को भी छोड़ दिया जाए कि ओम बिरला साहब सवर्ण हैं और के सुरेश साहब दलित हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है असली बात है मेरिट और स्पीकर पद के लिए अगर मेरिट की बात हो तो यह हो कि आप निष्पक्ष हैं या नहीं पहली बात और दूसरी बात है आप योग्य हैं कि नहीं तो के सुरेश साहब योग्यता में भी ओम बिरला साहब से कमजोर नहीं पड़ते हैं और निष्पक्षता में भी कमजोर नहीं पड़ते हैं इसलिए कि अभी वो टेस्ट नहीं हुए टेस्ट होगा उनका जब वो लोकसभा के स्पीकर अगर बन जाएंगे वो का तो टेस्ट हो गया कि वो निष्पक्ष नहीं है वो पक्षपात करते हैं वो विपक्ष के साथ अन्याय करते हैं वो सत्ता पक्ष का साथ देते हैं जो नहीं करना चाहिए उनको क्योंकि वो पंच परमेश्वर की कुर्सी में बैठे अब सवाल है कल इलेक्शन होगा क्या होगा इसमें आज की रात बड़ी कातेलाना राज बड़े फोन होंगे बड़ी घंटियां बजेंगी कल जब होगा इलेक्शन कह तो दिया है जेडीयू ने कि हम बीजेपी के साथ स्पीकर पद पे रहेंगे चंद्रबाबू नायडू तो नहीं कहा है। जब मीटिंग हुई राजनाथ सिंह के घर में तो उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं गए तो उन्होंने एक प्रकार से एब्सटेन किया तो उन्होंने अपने कार्ड दे आर कीपिंग क्लोज टू दियर चेस्ट लेकिन इस बात की भी आशा है कि बहुत सारे सांसद कल एब्सटेन करेंगे और कोई सांसद एब्सटेन नहीं करेंगे अब ये देखने की बात होगी कि जो एब्सटेन करेंगे वो एनडीए गठबंधन के लोग होंगे या इंडिया गठबंधन के लोग होंगे जो वो जाके के वोट देंगे वो क्रॉस वोटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे वेब जारी होती है कि नहीं होती है टीडीपी वेब जारी करता है जेडीओ वेब जारी करता है कि नहीं करता है एक नाथ शिंदे के लोग क्या करते हैं अजीत पवार का एक सांसद क्या करते हैं यह देखने वाली चीजें होंगी लेकिन यह बात तो बिल्कुल पता चल गई है कि जो हम लोग सोच रहे थे कि मोदी जी को जिस प्रकार जनता ने इस बार बहुमत नहीं दिया है और एक ऐसी सरकार दी है जो कि कई पार्टियों पर निर्भर करती है सहयोग के लिए तो शायद वो अपना रवैया बदलेंगे लेकिन उन्होंने रवैया नहीं बदला यह बात तो क्लियर हो गई और जनता का दबाव तो है नीट परीक्षा का दबाव है बिहार में टूट रहे पुलों का दबाव है अयोध्या के अंदर चू रहे मंदिर का दबाव है राम पथ पे पड़ रहे गड्ढों का दबाव है यूजीसी नेट लीक होने का दबाव है पीजी नीट लीक होने का दबाव है और बच्चे युवा जो हैं सड़क पे हैं किसान भी उद्वेलित हैं देखते हैं कितने दिन बाद वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और इस बार क्या उसी प्रकार से उनको कीले गाड़ के रोका जा सकेगा क्या उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ऐसे ही मूक दर्शक बने रहेंगे या कुछ बोलेंगे तो अभी तक जो अखिलेश ने और राहुल ने और खड़गे साहब ने और बागी सब इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों के नेताओं ने एक एकजुटता दिखाई है समन्वयन दिखाया है और जिस प्रकार का डिस ओरिएंटेशन एनडीए गठबंधन में दिख रहा है तो असली मुद्दा यह है कल क्या होगा तो देख के पता चलेगा कल लेटेस्ट कीप अवर फिंगर्स क्रॉस्ड लेकिन मैं ये चाहता हूं व्यक्तिगत रूप चाहता हूं कि जो हो लोकतंत्र के हित में हो निष्पक्षता के प्रश्न में हो पक्ष में हो और देश के पक्ष में हो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के प्रश्न पे हो ऐसे व्यक्ति को स्पीकर पद पे नहीं बैठना चाहिए जो कि निष्पक्ष ना हो पक्षपाती हो यही मेरी कामना है अब देखते हैं कल क्या होगा कल डिस्कस करेंगे नमस्कार प्रणाम और धन्यवाद